तो देश की राजनीति और पॉलिसी मेकिंग में इन दिनों लाउडस्पीकर का शोर मचा हुआ है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जहां तेजी से लाउडस्पीकर्स को या तो उतारा जा रहा है या उनकी आवाज कम की जा रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बिहार है। थोड़े दिन पहले बिहार के एक बीजेपी नेता का बयान आया कि यूपी के इस पड़ोसी राज्य की मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर बैन होने चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र के रास्ते देश के बाकी राज्यों में पहुंचे इस मुद्दे पर नीतीश कुमार जो हैं वो बिल्कुल अलग राय रखते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपी से जुड़े ताज़ा आंकड़े देते हैं। यूपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। उन्होंने लाउडस्पीकर से जुड़े ताज़ा आंकड़े दिए हैं, जिनके मुताबिक अभी तक राज्य में 53,942 लाउडस्पीकर्स को उतारा जा चुका है। 60,295 लाउडस्पीकर्स की आवाज़ कम की जा चुकी है। आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को योगी सरकार ने इससे जुड़ा एक आदेश पास किया था। तो यूपी में इस मामले को बिल्कुल कानूनी तरीके से डील किया जा रहा है। जो पूरा मामला है वो नॉइस पॉल्यूशन के कंट्रोल का लगता है। इसको आसानी से समझें तो यूपी सरकार का कहना है कि या तो लाउडस्पीकर की जो आवाज़ है वो बिजी ट्रैफिक से आने वाली आवाज़ जितनी होनी चाहिए, बशर्ते बिजी ट्रैफिक के शोर में जो हॉर्न का शोर शामिल होता है वो लाउडस्पीकर की आवाज़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये जो है वो अपर लिमिट है, यानी किसी धार्मिक स्थल में लाउडस्पीकर की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने के मामले में ये नियम लागू होता है। कम से कम मामले में पब्लिक पार्क का उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि कम आवाज़ के मामले में धार्मिक स्थल से जो लाउडस्पीकर की आवाज़ आती है वो उतनी होनी चाहिए जो कि एक पब्लिक पार्क से आती है। एक बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की तरह यूपी में अभी तक ये मामला धार्मिक विवाद में नहीं बदला। राज्य के कुछ शहरों से अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की छिटपुट खबरें आईं, लेकिन महाराष्ट्र की तरह यूपी में अभी तक इस मुद्दे को हनुमान चालीसा पढ़ने का राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया गया। इसे पॉलिसी और गवर्नेंस के लेवल पर ट्रीट किया जा रहा है, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं जनक राम। बिहार में चल रही नीतीश और बीजेपी की गठबंधन वाली जो सरकार है उसमें ये मंत्री भी हैं। अप्रैल की शुरुआत में इन्होंने मांग की थी कि बिहार की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। जनक जी की जो मांग है उसके जवाब में जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं, उसके प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया। चैलेंज देते हुए कहा कि वो मस्जिदों से स्पीकर उतारने की कोशिश करके दिखाएं। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि पूरे मामले पे नीतीश कुमार का क्या कहना है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने का जो सवाल है वो पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार किसी धार्मिक चलन में दखल नहीं देगी, और ये जो धार्मिक स्थलों और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है उसे बिहार के सीएम ने सिरे से नॉनसेंस करार दिया। ये सब नीतीश ने बिहार के पूर्णिया में एक लॉन्च के दौरान अपने ताज़ा बयान में कहा। रिपोर्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये सब फिजूल की बातें हैं, बिहार में हम लोगों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, सभी को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। सीएम कुमार की ऐसी बातों से पहले उनकी पार्टी जेडीयू के कद्दावर नेता केसी त्यागी ने जनक राम की मांग को एनडीए के लिए विकट स्थिति पैदा करने वाला बताया। तो त्यागी जी ने कहा था कि अगर जनक जी को ऐसी कोई मांग उठानी है तो सीधे सरकार से बात करें, ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट देंगे तो विपक्ष को लगेगा कि एनडीए गठबंधन में सब ठीक नहीं है। तो इस बीच बिहार में हो रही इफ्तार पार्टियों के बाद इसकी चर्चा गर्म है कि एनडीए में सब ठीक है या नहीं। वैसे बिहार को लेकर ऐसी चर्चा हमेशा गर्म रहती है, लेकिन ये गर्म चर्चा अपने आप में एक अलग कहानी है। इसे कहने का नुकसान ये होगा कि हमारी अभी वाली जो चर्चा है वो भटक जाएगी। ऐसे में जाते जाते आपको लाउडस्पीकर का जो ये विवाद है उसका बैकग्राउंडर देते जाते हैं। आजाद मैदान पर थी मोर्चा। 2 अप्रैल को निकली गुड़ी पड़वा की एक रैली के दौरान एमएनएस के राज ठाकरे ने ये मुद्दा उछाला। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वो उनके सामने लाउडस्पीकर लगवाकर उन पर हनुमान चालीसा भजवा देंगे। महाराष्ट्र में इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर एमपी एमएलए पति पत्नी नवनीत और रवि राणा की गिरफ्तारी तक हो गई। पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक में हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे ही मुद्दों के बीच यहाँ के बड़े नेता ईश्वरप्पा ने भी लाउडस्पीकर मामले पर कमेंट किया। हालांकि बाद में एक कॉन्ट्रैक्टर की कथित आत्महत्या और मृतक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ईश्वरप्पा पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इस बड़े नेता को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
इन सब के बीच लाउडस्पीकर के मुद्दे का जो शोर है उसकी वजह से भ्रष्टाचार, बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उनकी आवाज जो है वो दब सी जा रही है। उम्मीद है कि हम इस मुद्दे पर आपको पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।